हर देश आज अपने आप को पावरफुल बनाने में लगा हुआ है और किसी भी देश को पावरफुल बनाने के लिए उस देश की एयरफोर्स मेन होती है। हालांकि नेवी और आर्मी भी बहुत ज़रूरी है, पर आज के टाइम पर हर देश अपनी एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करने में लगा हुआ है और एडवांस से एडवांस फाइटर जेट को इंडक्ट करना चाह रहा है। रशिया, US, चाइना जैसे देश जहाँ पर 6th जनरेशन के फाइटर जेट को बनाने में लगे हुए हैं, वहीं पर आज भी इंडिया तेजस MK2, TDPF और का जैसे 4.5th जनरेशन के फाइटर जेट को बना रहा है। पर क्यों? साथ ही इंडिया में 6th जनरेशन फाइटर जेट के बारे में क्या अपडेट है, बाद में क्या तैयारी कर रखी है, तो इन सवालों के जवाब के लिए इस वीडियो को पूरा देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन आप सबका स्वागत करता हूँ मेरी YouTube चैनल लेट्स फर्स्ट में। इससे पहले हमने दुनिया के 7 6th जनरेशन के फाइटर जेट पर वीडियो बनाई थी। अगर आपको इस वीडियो को देखना है तो ऊपर आई बटन या डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, जिससे आप उन देशों के बारे में जान सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। इंडियन एयरफोर्स के पास 2035 तक केवल राफेल, Sukhoi Su-30 MKI और तेजस ही बचेंगे और सभी को रिटायर करना होगा, तो इन्हें रिप्लेस करने के लिए तेजस MQ-2 पर काम किया जा रहा है। पर यह एक 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट होगा, इससे मिराज 2000, MiG-29 और जैगुआर को रिप्लेस किया जाएगा। पर सवाल ये उठता है कि इन्हें रिप्लेस करने के लिए एक नए फाइटर जेट को बनाया जा रहा है, पर वो 4.5 जनरेशन का क्यों है? आज जहाँ पर दुनिया 6th जनरेशन के फाइटर जेट को बना रही है, वहीं पर भारत 5 भी नहीं बल्कि 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट को बना रहा है। पर इसी के साथ इंडियन एयरफोर्स AMCA जैसे 5th जनरेशन के फाइटर जेट को भी बना रही है। पर सवाल ये उठता है कि तेजस MK2 को क्यों बनाया जा रहा है, जो कि एक 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। तो जो इसके कुछ कारण हैं वो शायद ये हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर जेट होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और उनकी मेंटेनेंस उतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, और उनकी स्टेल्थ को मेंटेन करने के लिए एयर कंडीशनर हैंगर का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये था पहला कारण तेजस MK2 जो कि 4.5 जनरेशन है इस फाइटर जेट को बनाने का। दूसरा कारण है क्वांटिटी। हमें 2035 तक 200 से भी ज़्यादा फाइटर जेट चाहिए होंगे, तो ऐसे फाइटर जेट को बनाने में कम टाइम लगेगा और वे इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होंगे। तीसरा कारण है कॉस्ट एफिशिएंट। 4.5 जनरेशन के जेट काफ़ी सस्ते होते हैं, वहीं पर जो 5th जनरेशन और 6th जनरेशन के फाइटर जेट है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। एग्जांपल के लिए जो अमेरिका का F-35 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, उसकी पर यूनिट कॉस्ट $100 मिलियन पर है। वहीं पर जो तेजस MK2 होगा उसकी कॉस्ट करीब करीब $40 से $50 मिलियन होगी। तो एक फाइटर जेट की कॉस्ट में हम 2 फाइटर जेट को ऑपरेट कर सकेंगे, जिसके चलते हम जल्दी ही 45 स्क्वाडन के गोल को अचीव कर सकेंगे। चौथा कारण है टेक्नोलॉजी। फिलहाल हमने तेजस को बनाया है, जिसके चलते हमारे पास केवल 4 और 4.5 जनरेशन की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और हमारे पास 5 या 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में पहले हमें टेक्नोलॉजी को डेवलप करना होगा और फिर उसे और ज़्यादा इम्प्रूव करना होगा। साथ ही ऐसे ही हम इन टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर करके नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी बना सकेंगे, जिससे हम नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर जेट को बना पाएंगे। तो ये थे कुछ कारण कि भारत 5 और 6th जनरेशन के फाइटर जेट की जगह पर तेजस MK1 ने तेजस MK2 और TDPF जैसे 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट को बना रहा है। और 6th जनरेशन प्रोग्राम के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, तो इसलिए अगली वीडियो को ज़रूर देखना। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल लेट्स फर्स्ट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।